सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुंभ मेला क्षेत्र में कुंभ 2021 के दौरान हुए अतिक्रमण पर जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर दूसरे दिन भी बैरागी संतों का धरना जारी रहा। धरने पर बैठे बैरागियों के समर्थन में अब बैरागी संतों के 3 अखाड़ों निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अणी अखाड़े के संत भी शामिल हो गए हैं। ऐसे में हिंदू रक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज ने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताते हुए कहा कि प्रशासन के मिलीभगत से ही ये निर्माण हुए हैं, अब सरकार की नियत में खोट है और वो कुंभ के समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। ये जो प्रशासन ने कार्रवाई की है द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। अगर कोई मान लीजिए अवैध निर्माण था, पहले तो था नहीं, क्योंकि प्रशासन ही बनवा रहा था उसे, और जब प्रशासन ही बनवा रहा था तो अवैध का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, और वही प्रशासन तोड़ने को आता है इसका मतलब है उसकी नियत में खोट थी। वो इंतजार कर रहा था कि मेला कुंभ खत्म हो और हम अपनी बदमाशी करें, गुंडागर्दी करें, दादागिरी करें। वहीं निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास ने कहा कि 12 सालों से बैरागियों के 3 अखाड़ों के ये निर्माण है, जिसे बीजेपी सरकार और अधिकारियों ने मिलकर धराशाही कर दिया है। इससे अच्छा तो रावण राज था, अधिकारियों ने रावण राज से भी गलत कार्य किया है। देखिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, क्योंकि मेले में सबको हमने इन्वाइट करा, उन लोग को हमने कुंभ मेला भी संपन्न कराया इतने डिफिकल्ट टाइम्स में, तो एक तरीके से एक जॉइंट एफर्ट था। अब ये जो अतिक्रमण वाला बात आती है, ये एक्चुअली इरिगेशन की लैंड है, जो यूपी इरिगेशन से उत्तराखंड इरिगेशन को हैंडओवर हुई थी। इसमें ऑलरेडी नोटिसेस गए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक बोल रखा है ये सारे हटने हैं। अभी फ़िलहाल जो उस दिन ड्राइव थी, बिकॉज देखा गया कि इतना आक्रोश है और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो अभी उसको रोक दिया गया। बैरागी कैंप से हटाए गए अवैध कब्जे के खिलाफ बैरागी संतों का आंदोलन जारी है। पुनर्निर्माण समेत 5 मांगों को लेकर 3 अखाड़ों के पदाधिकारियों का ये धरना है। संतों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। साथ ही संतों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मांगे नहीं मानने पर संत जीवन भर हरिद्वार में रहकर ही आंदोलन करेंगे। न्यूज़ ऑल इंडिया के लिए हरिद्वार से इंतजार रजा की रिपोर्ट।